मूवी के शुरुआत में हम सिल्वी को देखते हैं। सिल्वी एक हाई स्कूल स्टूडेंट होती है। उसको पोएट्री पढ़ना और लिखना काफी पसंद होता है। तभी उसकी मुलाकात स्कूल में ही आईवी से होती है। आईवी ने अभी ही स्कूल में एडमिशन लिया है। सिल्वी आईवी से उसकी थाई पर बने एक टैटू के बारे में पूछती है। वो उस टैटू की तारीफ करती है। तभी आईवी सिल्वी से कहती है, ये टैटू परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी टैटू है। यहाँ पर ये दोनों काफी बातें करती है। और सिल्वी लेस्बियन होती है पर आईवी लेस्बियन नहीं होती। फिर स्कूल के बाद में सिल्वी के फादर सिल्वी को लेने के लिए आते हैं। तभी उनकी गाड़ी के पास में वहाँ पर आईवी भी पहुंच जाती है। आईवी सिल्वी से कहती है, मेरा घर रास्ते में ही पड़ता है, तो क्या तुम मुझे वहाँ पर छोड़ दोगी। सिल्वी के फादर आईवी को ड्रॉप करने से ना बोल देते हैं। सिल्वी अपने डैड से कहती है, ये मेरी फ्रेंड है, मुझसे आज ही मिली है, ये काफी अच्छी लड़की है और इसको मैं जानती भी हूँ। सिल्वी के कन्विंस करने पर उसके फादर मान जाते हैं। जब ये लोग जा रहे होते हैं तब सिल्वी बैक सीट पर बैठी होती है और आईवी उसके फादर के साइड वाली सीट पर बैठी होती है। आईवी उसके फादर को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। सिल्वी के फादर, जिनका नाम टेरल होता है, वो एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे और ये बात आईवी पहले से ही जानती थी। इसके बाद आईवी और सिल्वी दोनों मिलने लगते हैं। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाती हैं। सिल्वी आईवी को एक दिन अपने घर पर लेकर आती है। सिल्वी का घर बहुत ही बड़ा होता है और आईवी उसको देखकर शॉक हो जाती है। आईवी को सिल्वी की मॉम जॉर्जिया देख लेती है। जॉर्जिया को पता था कि मेरी बेटी एक लेस्बियन है। जॉर्जिया आईवी को अपने घर पर देखकर खुश नहीं होती। तभी सिल्वी अपनी मॉम से कहती है कि मैं उसे पसंद करती हूँ, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। जॉर्जिया की तबीयत खराब ही रहती थी। जब इन दोनों में बहस चल रही होती है तभी वहाँ पर आईवी भी पहुंच जाती है। आईवी सिल्वी से कहती है कि तुम्हारी मम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे घर पर रुकूं। तभी जॉर्जिया की ऑक्सीजन मास्क में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। आईवी उसको सही करके फिर से जॉर्जिया को देती है, जिससे जॉर्जिया उससे इम्प्रेस हो जाती है। जॉर्जिया आईवी से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है। आईवी कहती है, मेरी कोई फैमिली नहीं है, मेरे फादर जब छोटे थे तब मेरी मोम को प्रेगनेंट करके चले गए थे और मेरे मोम की डेथ भी कुछ टाइम पहले ही हो गई थी। इसके बाद आईवी सिल्वी के साथ में उसी के घर में रहने लगती है और जॉर्जिया भी आईवी को सिल्वी की तरह ही ट्रीट करती है। पर डेरल आईवी को किसी और नजर से ही देखता था। आईवी भी ये बात जानती थी कि डेरल उसे चेकआउट करता रहता है। आईवी अब सिल्वी के साथ में रहने लगी थी। वो धीरे धीरे बेस्ट फ्रेंड बनती जाती है। ये दोनों अपनी थाई पर परमानेंट टैटू करवा लेती है। और दूसरी तरफ हम जॉर्जिया को देखते हैं, जिसकी तबीयत खराब रहती थी। वो अपनी सिचुएशन से तंग आ चुकी थी। बार बार उसके मन में सुसाइड करने के थॉट्स आते हैं। वो अपने रूम के बाहर खड़ी होकर नीचे देखती रहती थी। तभी वहाँ पर सिल्वी और आईवी भी पहुंच जाती है और जॉर्जिया को वहाँ से पीछे हटा देती है। सिल्वी अपनी मॉम को यहाँ पर शांत करती है और दोबारा ऐसा करने से उनको ना बोलती है। और इधर आईवी डेरल के साथ में कुछ और करने पर लगी हुई थी। वो डेरल के करीब जाने की कोशिश करती रहती थी। फिर सिल्वी के घर पर एक पार्टी होती है, जिसमें आईवी एक ड्रेस पहनती है और उस ड्रेस में डेरल आईवी को देखकर काफी शॉक हो जाता है। वो काफी ब्यूटीफुल लग रही थी और वो उसकी काफी तारीफ करता है। आईवी यहाँ से एक रूम में जाती है, जहाँ पर म्यूजिक लगाकर वो अकेले ही डांस करने लगती है। तभी वहाँ पर डेरल भी पहुंच जाता है। ये दोनों एक दूसरे को हग करके डांस करने लगते हैं। तभी यहाँ पर जॉर्जिया भी पहुंच जाती है और इन दोनों को डांस करता हुआ देख लेती है। वो इन दोनों को ऐसे देखकर काफी गुस्सा करती है। तभी जॉर्जिया की तबीयत खराब हो जाती है। डेरल फिर उसको उसके रूम में लेकर आता है। तभी जॉर्जिया के रूम में वहाँ पर आईवी भी पहुंच जाती है। आईवी कहती है कि जब मैं वहाँ पर डांस कर रही थी तब डेरल को मुझ में तुम नजर आई, इसलिए मैंने उनको बोला था कि मुझे हक करके वो डांस करें। इसमें डेरल की कोई गलती नहीं है, वो बस आपको मिस कर रहे थे और मुझसे देखा नहीं गया। आईवी यहाँ पर पूरी सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले लेती है। इसके बाद आईवी जॉर्जिया की गाड़ी में बैठकर म्यूजिक सुनने लगती है। तभी वहाँ पर सिल्वी भी पहुंच जाती है और उसको ऐसा करता देख उसके ऊपर वो काफी गुस्सा करती है। वो उससे कहती है, ये मेरी मॉम की कार है, तुम मेरी मॉम की गाड़ी में क्या कर रही हो। आईवी कहती है, मुझे तुम्हारी मॉम की गाड़ी की कीस मिल गई थी और मैं उनकी गाड़ी में बैठकर सिर्फ म्यूजिक सुन रही थी। तभी सिल्वी कहती है, ये मेरी मॉम की कार है, इसे मैंने भी कभी नहीं छुआ है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इसको छूने की। यहाँ पर इन दोनों में काफी फाइट हो जाती है। इसके बाद डेरल आईवी से स्कूल में मिलता है। आईवी डेरल को उसे घर पर छोड़ने के लिए कहती है। जब ये दोनों जा रहे होते हैं तब डेरल गाड़ी को एक जंगल में लेकर जाता है। यहाँ पर आईवी डेरल को सीड्यूस करती है। डेरल पर अपना कंट्रोल नहीं रहता और ये दोनों यहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। यहाँ के बाद आईवी सिल्वी से मिलने के लिए जाती है। वो उसे मिलकर सॉरी बोलती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी मॉम की गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए था। वो उसको सॉरी बोलती है और सिल्वी उसकी सारी बातें सुनकर उसको माफ कर देती है। फिर हम जॉर्जिया को देखते हैं, जो कि फिर से अपनी रूम के बाहर खड़ी होकर बिल्डिंग के नीचे देख रही होती है। तभी पीछे से वहाँ पर आईवी भी आ जाती है। वो जॉर्जिया को बिल्डिंग से नीचे गिरा देती है, जिससे जॉर्जिया की डेथ वहीं पर हो जाती है। फिर ये सब कुछ होने के बाद आईवी जॉर्जिया के बेड पर सो रही होती है। तभी रूम में वहाँ पर सिल्वी भी आ जाती है। सिल्वी आईवी से कहती है, तुम मेरी मॉम के बेड पर क्या कर रही हो। तब आईवी सिल्वी से कहती है कि तुम मेरे पास आकर लेट जाओ और कहती है कि तुम ये प्रिटेंड करो कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ। बेसिकली आईवी जॉर्जिया की जगह लेना चाहती थी। इसके बाद में आईवी सिल्वी को उसकी मॉम की गाड़ी में कहीं पर लेकर जाती है और सिल्वी के हाथ में उसकी मॉम की अस्थियां होती है। आईवी सिल्वी से कहती है कि अगर तुम इसको नदी में चलाओगे तो तुम्हें काफी बेटर फील होगा। जब ये दोनों गाड़ी में जा रहे होते हैं तब आईवी एक सॉन्ग गुनगुना रही होती है। तभी सिल्वी आईवी से पूछती है, तुमने ये गाना कहाँ पर सुना
करना। तभी हाइफी कहती है ये मेरी बस ऐसी जुबान पर आ गया था इसलिए मैं इसको गुनगुनाने लगी। तभी सिल्वी कहती है ये गाना कोई और गाना नहीं है, ये गाना मैंने खुद लिखा है और ये सॉन्ग डैड ने मेरी मॉम के लिए उनके बर्थडे पर गाया था। ये सॉन्ग उस दिन भी मेरी मॉम के रूम में चल रहा था जब उन्होंने सुसाइड किया था। इसका मतलब तुम उस दिन मेरे मॉम के रूम में ही थी। सिल्वी आईवी से पूछने लगती है कि मुझे बताओ मेरी मॉम ने आखिरी वर्ड क्या बोले थे। आईवी सिल्वी की ये सारी बातें सुनकर शांति रहती और गाड़ी को फुल स्पीड पर चलाने लगती है। तभी उनकी गाड़ी का आगे जाकर एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में सिल्वी के फोरहेड पर काफी चोट आती है पर आईवी को यहाँ पर कुछ नहीं होता। आईवी सिल्वी को ड्राइविंग सीट पर बैठा कर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम सिल्वी को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर टरल उससे मिलने के लिए आता है। कहती है कि मुझे आईवी अपने घर में नहीं चाहिए, तुम उसको घर से निकाल दो, उसने जरूर कुछ गलत किया है और मुझसे अपनी सारी बातें छिपा रही है। उल्टा डेरल ही सिल्वी के ऊपर गुस्सा करता है। सिल्वी कहती है कि उसने शायद मेरी मॉम की जान ली है। तभी डेरल कहता है कि तुम्हारी मॉम ने सुसाइड किया था और तुमने अपनी बेस्ट फ्रेंड की जान लेने की कोशिश की, तुम्हें अब ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। तब सिल्वी ये बात सुनकर चौंक जाती है और कहती है कि गाड़ी में नहीं आईवी चला रही थी और मेरी ये कंडीशन जो हुई है वो आईवी की वजह से ही हुई है। डेरल सिल्वी की इन सब बातों पर बिलीव नहीं कर रहा था। सिल्वी के भी ये समझ नहीं आ रहा था कि डेरल का बिहेवियर इतनी जल्दी कैसे चेंज हो गया था। सिल्वी की सारी बातें सुनकर डेरल यहाँ से चला जाता है। रात को सिल्वी हॉस्पिटल से भाग जाती है। भागकर वो अपने घर पर पहुंच जाती है। जब सिल्वी यहाँ पर पहुंचती है तो वो देखती है कि डेरल और आईवी दोनों इंटीमेट हो रहे थे। ये देखकर सिल्वी शॉक हो जाती है। सिल्वी ये सब होते हुए अपनी आंखों से देख रही थी। ये सब देखकर वो यहाँ से भाग जाती है। सिल्वी को ढूंढने के लिए पीछे पीछे उसके डेरल भी जाता है। इसी बीच में आईवी जॉर्जिया का नाइट सूट पहनकर अपने रूम के बाहर खड़ी हो जाती है जहाँ से उसने जॉर्जिया को बिल्डिंग से नीचे गिराया था। तभी नीचे से सिल्वी आईवी को ऊपर खड़ा देख लेती है। सिल्वी तभी ऊपर जाती है। आईवी सिल्वी को यहाँ पर देखकर उसको किस करती है और कहती है कि हम सब लोग एक साथ ही रहेंगे, सब कुछ काफी अच्छा होगा। आईवी की ये सारी बातें सुनकर सिल्वी को आईवी के ऊपर काफी गुस्सा आता है और वो आईवी को बिल्डिंग से नीचे गिरा देती है। बिल्डिंग से नीचे गिरने पर आईवी की डेथ वहीं पर हो जाती है। इस मूवी का एंड यहीं पर हो जाता है।